सरकार ने भले ही सोयाबीन की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया हो, पर मौजूदा वक्त में किसान सरकार के नए समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए उत्साहित नहीं दिखाई दे रही हैं। दरअसल सरकार ने सोयाबीन के लिए 4,892 रुपए का समर्थन मूल्य तय किया है और ये खरीदी 25 अक्टूबर से शुरू होगी। सोयाबीन किसानों को डर है कि अगर 25 तारीख के बाद वो फसल बेचते हैं तो उन्हें दिवाली से पहले ही फसल का भुगतान होने से रहा। इसके साथ ही किसानों को अभी गेहूं और चने की फसल की बुआई के लिए बीज और खाद के लिए पैसे चाहिए। नतीजा अगर मालवा समेत कई इलाकों में किसान अब अपनी फसलों को बाहर व्यापारियों को कम कीमत में बेचने को मजबूर है। आपको बता दें कि एमपी में 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। सोयाबीन की खरीदी के लिए समर्थन मूल्य सरकार ने जो है 4,892 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है और उसकी खरीदी जो है 25 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसकी तैयारियां आगरमालवा जिले में कलेक्टर ने पूरी तरह से करा दी है। वो 25 अक्टूबर से सोयाबीन की सरकारी खरीदी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ आगरमालवा की जो मंडी है, कृषि मंडी, वो काफी बेहतर मंडी मानी जाती है। भुगतान के मामले में, तोल के मामले में, ये काफी बड़ी मात्रा में जो आवक है सोयाबीन की आ रही है। कंपेयर अगर करें पिछले साल की तुलना में तो बहुत ज्यादा सोयाबीन अब आने लगी और काफी सारे किसान यहाँ मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि समर्थन मूल्य की खरीदी अभी 25 अक्टूबर पर शुरू होगी, उसके पहले ही ये मंडी में लोग क्यों पहुंच रहे हैं सोयाबीन लेके? आप ये बताओ कि आप क्यों जल्दी लाना पड़ रहा है आपको सोयाबीन, जबकि 25 अक्टूबर को आपको समर्थन मूल्य का रेट मिल जाता। बीज खाद दवाई दारू वाला मशीन वाला का पैसा देना, समर्थन मूल्य का समय नहीं देख सकते हम, क्योंकि गेहूँ कम, गेहूँ दूसरी फसल भी बोना है हमें, तो इस चक्कर में हमको सारा मजदूरों का पैसा है, खाद भी सब मिलना लाना रखना सब, इस वजह से क्या है कि थोड़ा परेशानी आती है, तो हमको मजबूरन इसको बेचना पड़ता है। फिर इस रेट से अगर देखते हैं तो रेट अपने को जम नहीं रहा है। रेट अभी क्या मिल पा रहा है? अभी ये 4,543। लेकिन समर्थन मूल्य तो 4,892, आप क्यों नहीं बेचते हो? तो समर्थन मूल्य का टाइम थोड़ी है हमारे पास, उस टाइम पर हम यहाँ खेती करेंगे, उस टाइम पर 20 से 25 के बीच में गेहूँ बोना पड़ेगा, उसके लिए खाद बीज सब लाना पड़ेगा ना। अभी हार्वेस्टर का पैसा देना है, सारी चीजें हैं, हर चीज का, स्कूल की फीस देना है, तो सारी चीजें, कॉलेज की, हर चीज को लेकर अभी देखना पड़ेगा, उस हिसाब से जल्दी बेचना पड़ रहा है। उसके लिए पैसा चाहिए ना, हमारे पास पैसा नहीं है तो बेचना पड़ेगा। पंजीयन करा क्या करे, सोयाबीन ही बचेगी 25 अक्टूबर तक, तो हमारे पास सोयाबीन बचेगी नहीं। जो बड़े काश्तकार है उनके पास कभी बच जाए तो। जब से समर्थन मूल्य की घोषणा हुई थी उसके बाद जो तारीख थी नया श्री गणेश कब हुआ था नए सोयाबीन का, और अब कितनी आवक हो रही है लगभग मंडी में? अभी 20,000 बोरी की रोज आवक हो रही है और पिछले 20 से 25 दिन से रोज माल आ रहा है, पर DOC की डिमांड नहीं होने के कारण थोड़ा सा सोयाबीन का भाव 60 किसानों को नहीं मिल पा रहा है। पर ये जरूर है कि जब से 25 अक्टूबर से जब से खरीदी चालू होगी सरकार की, जब से जरूर 300 से 400 रुपए की बढ़त मिलेगी। अभी जो आवक आ रही है और पिछले साल से इसको कंपेयर करें तो क्या देखते हैं, उत्पादन कितना अधिक बढ़ा है या नहीं? उत्पादन पिछले साल जैसा ही है, जैसे कहीं कोई खेतों में उत्पादन अच्छा हुआ है तो कोई में कम भी हुआ है, तो लगभग पिछले साल जैसा ही समझे। बट अभी आवक मेन बढ़ने का कारण ये है कि किसानों को अभी आगे की फसल के लिए जुताई और फकई के लिए पैसा चाहिए सीड के लिए, तो इसलिए किसान बेच रहा है और मजबूरी है कि उसकी बेचना। आगरमालवा जिले के जो कृषि विभाग के उप संचालक है विजय चौरसिया जी हमारे साथ है। जैसा कि आगरमालवा जिले में 1,62,000 फार्मर्स हैं और यहाँ पर मैक्सिमम सभी किसान सोयाबीन की खेती करते हैं और सोयाबीन की खेती इस वर्ष जो हुई है 1,82,000 हेक्टेयर में हुई है और इस बार उत्पादन भी अच्छा आया है और अभी तक हमारे जिले के 7,600 किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है जिसमें का रकबा 18,000 हेक्टेयर से अधिक है। तो सर ये जो पंजीयन की संख्या अपन देखें और कुल किसानों की संख्या देखें तो बहुत बड़ा गैप है, 10% किसान भी ऐसे नहीं है जो सरकारी समर्थन मूल्य पे बेचने के लिए पंजीयन करा रहे, ऐसा क्यों गैप आया है? क्योंकि आज सरकार का ये उद्देश्य रहता है कि हम किसान को सशक्त करें और किसान को उचित मूल्य उसकी बाजी दाम उसको उपज का दे सके। तो आंकड़े जो स्पष्ट बता रहे हैं कि जिले में जो आगरमालवा जिले में जो समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए जो सरकार द्वारा तय किए गए हैं तारीख 25 अक्टूबर, उसके लिए पंजीयन की संख्या किसानों के कुल संख्या के मुकाबले में 10% भी नहीं है। ये एक साफ संकेत है कि जो किसानों का भरोसा है वो समर्थन मूल्य पे कम है और मंडी में जो भाव अभी मिल रहा है वो नगद पैसा मिल रहा है उस पर ज्यादा हो रहा है। आगरमालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ गफ्फर मुल्तानी। तो त्योहारों का सीजन